कि महाराज मांगो कि भाई ठाकुर को कौन मांगो मैं राजा के लू लेऊं नौकर के लू तो काय मांगो अजय मानो फूल लौट रहे थे मांगो जी दे देंगे नहीं क्यों मैं भाई ठाकुर को नहीं मांगू मैं राजा को लेशे बेजार बोलिया महाराज ये आल को एक बावन आयो है बावन आंगली लंबो है क्यों एर वो कहे मैं ठाकुर को लियो मैं तो राजा को नहीं लियो तो क्यों चलो भाई आपा ने ये भी संपूर्ण करनो है चलो मैं देशे तो राजा जार बोलियो हाँ महाराज मांगो क्यों राजा नहीं है कौन मांगू मैं तो क्यों पहले संकल्प करे तो क्यों मत थाने बच्चन कह दियो ते मांग जकी वस्तु मत दे देसु ये मेरा बचन है संकल्प के बराबर ही है क्यों नहीं राजन मत और संकल्प बिना मानू नहीं तो राजा बलि आपका गुरु ने जार पूछे क्यों महाराज यार को एक खिलौनो आयो और संकल्प करावे क्यों राजन वो खिलौनो को नहीं है तू संकल्प कर ले ना तो क्यों मत भी वचन कर लिया क्यों बिना नट जा क्यों वचन तो को नहीं हारू तो राजा थारो यज्ञ संपूर्ण उभा को देवो तो क्यों चाहे न उभा दे हत्या को ले जारी राजा संकल्प करे
तो गुरु शुक्राचार्य जी बड़ मींड को अर पानी वाली नलकी गाड़ दो, पानी को टोपो फटवा नहीं दे। अर भगवान विचार करे शुक्राचार्य का काम है, ले गोचोरे घसीट दियो जिसको एक आंख फूटी, वो विचार करो दूसरो घसीट दे दियो दोनों फोड़ियो अर बारे फूट दो। जरा के बलि छलवाना आई गयो त्रिलोकी, हाथ में ले ली डांगड़ी, सिर पर ओढ़ दी मौन टोपी, दे बनाई छोटी बलि छलवाना आयो त्रिलोकी। तो संकल्प करार क्यों राजन तीन पाउंडा जमी दे, अरे जोशी तीन पाउंडा कहीं गुजारो उसी, जो देख राजा मारे कोई खेती को नहीं करनी है। हाँ चावल को बना, हाँ मैं तो एक कुटिया बनाऊं, अरे भी मैं बैठी हूँ बांस को करूं पोथी, पोथी बलि छलवाना आई वो त्रिलोकी त्रिलोकी। वह संकल्प कराए अरे के वो भी दे ने बढ़ाई जिसको आकाश के बढ़ाई बढ़ा दी। एक पाउंड हम तो मृत्यु लोग नाप लियो और दूसरा पाउंड तो मायने देवलोक देवलोक। तो राजा तीसरो पाउंड जगह दे नहीं तो बचन हार, मारा तीसरो पाउंड जगह दियो घटाऊं थे तो पूरी नाप ली। अब है कौन जना के बावन रूप धार नारायण एक बलि के आगे तीन पेंड का बचन बराकर ब्रह्म लोक फैमार्श किए। ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण फकाड़ लिए, विष्णु चरण से गंगा प्रकटि, जना ब्रह्म कुंड में बास किए। देवलोक में देव सरिता देवा के मन भाई, अरे कथा सुनो ते गंगा मैया की पाप निवारण हो जाई। जम्बू दीप आर्य व्रत सात दीप है, आपा जगो रवा जगो जम्बू दीप है, भरत खंड नो खंड है, आपा जगह रवा जगो भरत खंड है। तो क्यों राजा के तो एक पाउंड जमी दे नी बचन हार, क्यों मारो शरीर है तो क्यों चालो न पदे। जना के दे गशीर पताल के मायने बैठा दियो, जना किए नरचीती नहीं होत, आपा गढ़ाई प्रोग्राम बनावा पड़ हुए को, आपा गाई बियान का बलि जियान का गाई फेलुगा। नरचीती नहीं होते हरी चीती तत्काल, करी सामग्री बैकुंठ गिर मेल दियो पताल। तो भगवान को भरोसो कोनी राग न जाए। तो राजा बलि का एक कमाए तो विघन पड़गो, दूसरो एक कौन करे राजा सगर। तो राजा सगर के दो रानी दोनिया के पुत्र कोनिया, एक को नाम केशनी हो एक को शकुनी हो। तो सौ वर्ष एक सत वर्ष भरगु मुनि का आश्रम में तपस्या करी, हर मुनि प्रसन्न हुयो राजा थारी इच्छा जकी मांग ले। तो राजा राणे ने कहो राणे आज मुनि राज प्रसन्न है, थाके इच्छा है जको वरदान मांगो। तो बड़ी रानी केशनी मुनि कन शीश निवावे, हे भगवान एक पुत्र देवो और मन कुछ नहीं भावे, भावे। तो बड़ी रानी केशनी के एक अश्वन जस नाम को पुत्र जन्मियो। छोटी रानी शकुनी करे विचार, लड़का मांगे 60,000। राजा ले वरदान अयोध्या में आएगो। बड़ी रानी केशनी को पुत्र अश्वन जस नदी में स्नान करवा जावे, गांव का जता है टाबर करना जाए, जगन पकड़ पकड़ भी नदी के मायने पूरी प्रजा इकट्ठी। राजा ने बोली राजन आपको भूत प्रजा को भूत सगला गांव न कर दियो। तो राजा प्रजा की पुकार सुन अश्वन जस ने देश निकालो दे दियो। अब राजा विचार करे भाई आपने 60,000 पुत्र है, आप अश्व मेघ यज्ञ शुरू तो इंद्र की कुर्सी आपन है मिले। तो राजा सगर सावकरण घोड़ा ने श्रृंगारे अश्व मेघ यज्ञ शुरू कर दे। Yeah.
जनकी न शारदा हजार पुत्र राजा के देशो में डंका दीना शारदा हजार पुत्र राजा के देशो में डंका दीना सूर्य बंद से राजा शगर में यग अस्वय पूजन की न भाई यग अस्वय पूजन की न शारदा हजार पुत्र राजा के देशो में डंका हाँ शारदा हजार पुत्र राजा के देशो में डंका दीना सगर भोज सो गई नींद में इंद्र ने अस्वय भाई इंद्र ने असमन कीन कपल मुनि के आश्रम जाकर घोड़ा बाण गमन कीना हाँ कपिल मुनि के आश्रम जाके घोड़ा बाण गमन कीना कपल मुनि के आश्रम जाकर घोड़ा बाल गमन कीना हाँ कपिल मुनि के आश्रम जाके घोड़ा बाल गमन कीना ओ खोजत खोजत रे खोज पहुंची ओ खोजती खोजती खोज पहुंची कथा सुनो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाई कथा सुनो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाई भारत माई कथा सुनो गंगा मैया पाप निवारण हो जाए अरे कथा सुनो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए बोल भक्त और भगवान की गंगा मैया की सूर्य वंश राजा शगर ने यज्ञ अश्व पूजन कीना 60,000 पुत्र राजा कर देशों में डंका दीना एक दिन शगर फौज सो रही नींद में अरे इंद्र ने अश्व छीना इंद्र विचार करियो यज्ञ पूरो जैसी तो आपाली कुर्सी है देखी जैसी तो भी घोड़ा ने छाने सिख जार खोल लियो कपल मुनि के आश्रम जाकर घोड़ा बान गमन की ना ले जाए और कपिल देव का आश्रम के मायने बांधियो कपिल देव पलक लगाए बैठियो ध्यान को नहीं खोजत खोजत खोज पहुंची जना मुनि श्राप मिलियो ताही कथा सुनो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए खोजा खोजा गया हर जार की मुनि ने गड़िया खड़ी चोर क्यों दिन ने तो आंखें मिस ले रात में तू चोरियां कर तो फिरे कहीं छे तो पांच चार की तो ऋषि टाड़ करी पण वे रुकिया ही नहीं हां याल की नेत्र की अग्नि छोड़ी जिको 60,000 की बानी कर दी बसमी खोजत खोजत खोज पहुंची मुनि श्राप मिलियो ताई कथा सुनजो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाई तो राजा शगर जाए अर कपिल देव ने बोलियो भगवान अब काई करा के भाई करे काई 60,000 तो अधोगति जाता रिया राजा
की गति होए कोनी मोक्ष कोनी होए राजन। अब तो गंगा आवे तो आकी गति होए नहीं तो अतो गति के मायने बबूल उड़ाई फिर सी। हे भगवान मारे गंगा ल्यावे कुण 60,000 की ते डेरी कर दी और एक बड़ो पुत्र अश्वन जसो बिन मदेश निकालो दे दियो। अब गंगा कौन ल्यावे भाई? गंगा तो ये तो वंश को आके वंश को ल्यावे जना में अश्वन जस के अश्वन मन गंगा हेतु तपे मन में। रे भाई गंगा हेतु तपे मन में नरप दली भूप भागीरथ भगत भेद धारे तन में। भाई नरप दली भूप भागीरथ भगत भेद धारे तन में। ब्रह्मा विष्णु मनाए भागीरथ लाग गयो शिव पूजन में। ओ भाई राधा स्वामी छोटी आवे बेगा जी पूजन में। ब्रह्म लोक से गंगा उतरी रोज भरी करे से घन में। हां ब्रह्म लोक से गंगा उतरी रोज भरी करते घन में। सुनो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाई। हो दम्पू दीप आर्यावत है दम्पू दीप आर्या भरत खंड भारत मही रे भाई। ओरे भरत खंड भारत मही कथा सुनो गंगा मैया की हो पाप हो जाई। कथा सुनो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाई। बोल श्री गंगा महामैया की। तो के अश्वन दस के अश्वन मन अश्वन दस के अश्वन मन जन्यो अश्वन दस के अश्वन मन गंगा एक तपे बन में नरप दलीप अश्वन मन के जन्मे दलीप फिर दलीप के जन्मे बाकी अश्वन जस के अश्व मन गंगा एक तपे बन में नरप दलीप भूप बाकी भगत देश तारे के तन में। ब्रह्मा विष्णु मनाए बाकी लाग रही और शिव पूजन में। ब्रह्म लोक से गंगा उत्तरी जना रोष भरी करते घर में। शंकर ले शीश पर धारी बटे जट्टा शंकरी कहलाई अरे कथा सुनो गंगा मैया के पाप निवारण हो जाए। तो शंकर भगवान जट्टा के मायने रोक ली बाकी बोले हे भगवान मन पांच पीढ़ी उगी ऐरा पांच की पीढ़ी के मायने आई है मारे 60,000 जो गति उगी अड़ा पांच गति उसी की आपकी ने जट्टा के मायने रोक ली। शंकर भगवान बोले आप आगे की मैं रोकी नहीं हुई ने को बेग बहुत तेज है दौड़ इनकी दौड़ ज्यादा है हरा वहां के दर्शन आज की गति देता है जाई। तो जो थारे सूर्य भगवान को रथ आतावे तो तू ले जा जा पूछ के। तो बाकी दोबारा फिर सो तो सूर्य भगवान का आराधना करी और सूर्य को रथ प्राप्त करियो। Thank you.
हरिद्वार की पेड़ी मोटा धाम थरपदीना जे कोई
महात्मा राम कृष्ण मंजन की ना। जे कोई स्नान करे गंगा में जनन सफल वे कर ली ना, अंत समय गंगा जल धारा बोई जाए स्वर्ग चीना। चैन सिंह गंगा की महिमा वेद पुराण संत गाई, कथा सुनियो गंगा मैया की पाप निवारण हो जाए। बोलो श्री गंगा मैया की। आ गंगीता।